नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। सो गाइज, बहुत दिनों के बाद आज हम हमारे चैनल पे एक गेम पैड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और गाइज वो है एमकिट का ईवो गेम पैड प्रो 3। सो इसके पहले मैंने ईवो गेम पैड और ईवो गेम पैड प्रो 2 अनबॉक्स किया है। सो अगर किसी को उसकी वीडियो देखनी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगी। सो गाइज, 2 साल पहले ईवो गेम पैड प्रो 2 आया था मार्केट में और ऑलमोस्ट 2 साल के बाद यहाँ पे मार्केट में आ चुका है ईवो गेम पैड प्रो 3। सो गाइज, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसे चेक करने के लिए। तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्टली हम देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। सो ये है एमकिट ईवो गेम पैड प्रो 3 का एक्चुअल बॉक्स और यहाँ पे बॉक्स के नीचे की तरफ आपको देखने मिलते कुछ फीचर्स जैसे कि प्ले लाइक प्रो, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स और कई सारे और फीचर्स। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है एमकिट का एक्चुअल गेम पैड और उसके कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है बारकोड और कुछ इन्फॉर्मेशन। बॉक्स के साइड में यहाँ पे दिए गए उसके कुछ फीचर्स और उन फीचर्स को यहाँ पे इलेबोरेट करके बताया है। बॉक्स के दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते कुछ गेम्स जो इसमें सपोर्टेड है। सो गाइज, यहाँ पे आपको PUBG भी देखने मिलेगा बट गाइज PUBG अभी गेम पैड में सपोर्टेड नहीं है। सो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बॉक्स के नीचे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसकी MRP, बॉक्स कंटेंट और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं एमकिट की तरफ से 1 साल की वारंटी। तो अभी हम इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गेम पैड के आगे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं जॉयस्टिक का बटन, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एंड्रॉइड का बटन देखने मिलता है, प्लस यहाँ पे एक टर्बो का बटन भी आपको देखने मिलता है जिसकी हेल्प से आप सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो। सो जैसे हम इस फ्लैप को ओपन करते हैं यहाँ पे आपको देखने मिलेगा होम बटन जिसकी हेल्प से आप इसे पावर ऑन कर सकते हो और नीचे की तरफ यहाँ पे ईवो की ब्रांडिंग है। गाइज, वो कोई बटन नहीं है, सिर्फ एक ब्रांडिंग दी गई है। सो अभी हम करते हैं इसे पावर ऑन। सो गाइज, जैसे मैं इसे पावर ऑन करता हूँ यहाँ पे 4 LED लाइट ब्लिंक करती है। गेम पैड के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन जैसे कि इसका चार्जिंग वोल्टेज, बैटरी है इसकी 500 mAh की और उसका मॉडल नंबर। गेम पैड के ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं L1, L2, R1, R2 के बटन्स और एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट। सो गाइस, अभी हम करते हैं इसे ब्लूटूथ से पेयर। सो ये गेम पैड कनेक्ट हो चुका है और अभी हम ट्राई करेंगे इसमें कुछ गेम्स। सो गाइज, यहाँ पे जो पहली गेम हम ट्राई करने वाले हैं वो है एस्फाल्ट 8। देखते हैं कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये परफॉर्म करता है। सो गाइस, एस्फाल्ट 8 गेम खेलने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन उसके कंट्रोल्स थे। सो यहाँ पे जो अगली गेम हम स्टार्ट करेंगे वो है ब्रदर्स इन आर्म 3। ये भी एक कॉम्बैट गेम है, देखते कैसे ये गेम पैड परफॉर्म करता है। सो गाइज, यहाँ पे भी गेम पैड ने काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छे कंट्रोल्स है इसके और गेम पूरी तरीके से आप गेम पैड की हेल्प से खेल सकते हो।
सो गाइज यहाँ पे हम आते हैं हमारे फाइनल गेम की तरफ जो है पबजी। सो मुझे पता है बहुत सारे लोग पूछेंगे क्या ये पबजी में वर्क करता है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है पबजी के बारे में कि अगर आपको गेम पैड की हेल्प से पबजी खेलना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ गेस्ट अकाउंट से ही आप उसे खेल सकते हो। अगर आपके ऑफिशियल लॉगिन या फिर जो आपका अकाउंट है उसकी हेल्प से अगर आप इसे खेलोगे तो आपका जो अकाउंट है बैन होगा 101%। तो गाइज यहाँ पे कंपनी ने इंक्लूड किया था, बट कंपनी ने इंक्लूड करने के बाद जो है अपडेट आया पबजी की तरफ से कि पबजी अभी गेम पैड पे नहीं खेल सकते और अगर आप खेलोगे तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस गेम पैड का अनबॉक्सिंग काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन ये गेम पैड है। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम मुझे ये लगा कि ये iOS डिवाइस जो iPhones रहते हैं उस पर सपोर्ट नहीं करता है, बाकी ये Android, Windows और PS3 में ये सपोर्टेड है। और बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी है। इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं इसके प्रीवियस वर्जन के कंपेरिजन में और यहाँ पर ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 2,200 रुपीज़ का। और गाइज इसके साथ आपको मिलती है एक साल की वारंटी एमकिट की तरफ से। सो गाइज अगर किसी को इसे परचेस करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसे परचेस कर सकते हो। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।